सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। गांधी ने बताया कि इतना बड़ा झूठ जो संभव ही नहीं हो सकता था, फिर भी बोल गए कहीं कहीं प्रदेश में ठगा है, क्योंकि 99,000 करोड़ का कर्जा कोई प्रावधान नहीं है। अगर पूरे 5 से 10 साल तक गवर्नमेंट एक नए पैसे का विकास ना करे और सारा इसी में दिए जाए, तब जाके शायद संभव हो सकता है कि सब कुछ बंद कर दे तब ये हो। ऐसा बड़ा झूठ बोलने के बाद अभी लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से पूरे उसमें की जा रही है कि आप मान के चलो राफेल 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 उठा दिया, जबकि हकीकत ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक सारी चीज रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसमें हमें कहीं कुछ नहीं दिखाई देता कि कहीं भी इसमें कोई भ्रष्टाचार है। उसके बाद भी कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है और वो बार बार इतना बड़ा झूठ बोलना। साथियों, अभी 2 दिन पहले आपने टीवी के माध्यम से देखा होगा, मनोहर पर्रिकर जी हमारे रक्षा मंत्री रहे हैं और अभी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। जिस हिसाब से उनकी तबीयत खराब है, जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, उसके बाद में अगर मान लो एक उसे मिलने चले गए और मिलने के बाद में आकर तुरंत ऐसा बड़ा झूठ बोल दिया, जो आदमी कम से कम उस वाली बात है कि भगवान को प्यारा होने जाए इस टाइप की उनकी हालत है, और उसके बाद भी आकर उसको जोड़ दिया कि उन्होंने मुझे बताया कि राफेल में मेरे को पूछा ही नहीं, उन्होंने तुरंत कहा यार इस बात का जिक्र भी नहीं हुआ था, आप मेरे 5 मिनट बैठ के आए मिलने आए, आपने कहां से कहां रख दी। तो इतनी ओछी राजनीति शायद कोई सोच नहीं सकता। नहीं, कांग्रेस में एक बात लगी हुई है कि कैसे हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं सत्ता हाथ में आ जाए क्या, कितना झूठ बोलवा लो कुछ ही कर लो। इन सब बातों को देख वो 10% का आरक्षण का उसमें आया, फिर उसके बाद में जो कल हुआ है, मैं समझता हूँ कि किसान से लेके व्यापारी से लेके मध्यम वर्ग को लेके सभी को उस बजट सब्सक्राइब करें खबर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया उनकी सेवा।